अभी कहाँ हो? अभी अभी आजा बेटा वीडियो बना नजर रखी होगा होते चला जाए। ये गेती होती ना गेती बता कैसे खींचने के बाद हाँ इतने आप पटेल साहब इतने देख लो जब बिल में ना चलो जाए है कि नहीं बम मैन फट्टा लगा दा वो ऐसे चलो ठीक है वो पापा अरे आज देख ला कालो ही होगा नहीं नहीं वो तो ऐसा लगो वो दिखिए थोड़ी सी कालो ही होगा यार धमन साहब वो बुढ़ा पचाड़ हाँ गेट अब जब गेट ही है ना जल्दी जल्दी पलटी दे दो सरपंच छोड़ दो जो हाँ यहाँ सही है ना मतलब पास में डरे मत अब है ना जागी जवाली में दो जब बड़ी वो बड़ी वाली नहीं है बड़ी वाली जा जा ऊपर वाली हटा जा 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 हटा पापा ये जा दो दो जने मिल के हटाओ बड़े 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 ही ना करो जाए ना ऐसे 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 करो और जा नीचे उतर जाइए वजन हटा अब जा हटाओ जा जाइए ऊपर डाल दो एक मिनट अपन जगदीश तो कैसे लगा सब्बल भाई साहब के आ जाइए कि नीचे हाँ बेटा 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 अरे बाप रे दामन साहब है तो दोस्तों देख सकते हैं जी इंडियन रेड स्नेक दामन सांप है काफी बिग साइज का और यार वो तो जान मत दो नहीं डटे वो पटेल साहब इतने नीचे झुक के देखिए जहाँ दिख रहा था वो तो जहाँ में है वो भाई साहब को जवाली पट जवाली ही हटाना पड़ेगी और क्या जवाली कैसे वो तो कहेगी बहुत ताकत लग रहा थे तो ताकत आओ जल्दी आ जाओ चलो ठीक है अरे पकड़ लेंगे उसे दोबारा ठीक है ना क्यों भाई साहब जहाँ में लगा पंजाब में सब लोग है ना मैं बिल्कुल बाएं पे बाएं पकड़ के चक्कर लगाऊंगा और तुम सब लोग जा पट्टी हटा दी ठीक है ना दामन साहब कोई दिक्कत नहीं डरो मत रेड स्नेक है तेरा मौसम है वो लगा जा जा में हां पहले जाए हटा जाए और जाए हटा जाए टांग में ना लग सब पहले तो वो फिर इसके बाद में तेज जाओ जाए हटा जूम कर लेना सांप को तुम पकड़ो ना मैं आ गया बात में ताकत लगाने लगा सब भाई लो भाई साहब हो जाए ताकत वाले पलटा हां ये पत्थर रखा बीच बीच में लगा जा एक सब्बल मुझे तो से लगा दे लट हाँ अब तुम यहाँ से लगाओगे ये आखिरी दासा है इसके अंदर ही होगा ठीक है ना अब जहाँ में फंसा लो जगदीश तेरे वाले और एक जनो जहाँ से खींचो जाए कौन जब आगे क्योंकि एक जने एक मिनट इसके अंदर
बड़े पत्थर पटको चलो एक जना इधर खींचो चाहे ऐसे करे वैसे हां कमरे जाए ऊपर उठा लो हाथ मत लगा ऊपर हां कोई दिक्कत नहीं है खींचो अरे वो एक जने अरे तू मनोज गेट पे लगी चप्पल ले देखो वो निकलेगा मुझे बता देना कहां भागेगा जल्दी जैसा सही आवे उसके अबे नजर रखियो गेट से खिंचाई बेटा अरे वो दवा नहीं एक मिनट एक मिनट एक मिनट बाय ना जा जी जहाँ से उठाओ जो पत्थर बच जाओ जा में ठीक है ना अरे यार अरे मेरी बात सुनो एक चलो लगाओ मेथी हैं सब्बल वो सब्बल तो जो रहा ना सब्बल ले गोपाल एक सब्बल बीच में लगा दे ला सब्बल ला ला सब्बल तो लगा दो बीच में मेथी लगा दे एक बीच में लगा लो एक मां ले लो बीच में पापा जी जूता पैर रख लो लगाओ बीच में डन ले जा डंडा लेते हां मुंह दे डंडा एक मिनट आप सब ले चलते हैं वो कहां ये सर सर जाओ दब जाओ और मर जाओ रुक जाओ हां एक पत्थर रखे यार अरे यार अरे ऐसा करा मत इसे तू उठा नहीं जल्दी से थोड़ी इसे तरी कर दे हां लगा लगा जी वाह ये देखो दिख रहा है क्या अंदर अंदर तुम पलटी कर दो भाई चलो पलटी कर जा हां कर आंद आंद मनोज इतने सुनने पे यूं कर हाथ हाथ लगा लो हाथ लगा लो कोई हाथ से पलट लगा लगा चले 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 ओ हो रे ऊपर लग गई क्या भाई साहब अरे फिर जा रहा है बंदा रखा है तो हटाओ इनको पैर दब रहा हूं उनको उनको पैर को कर लो रे पैर सब लगा अब ढीलो मत करो भाई अरे नहीं कर रहे फिर चल जाओ नहीं तो आधे ज्यादा हाथ में आ रहा है तो दे दी कपड़ा वपड़ा दूंगा नहीं नहीं भाई अपन काहे की आराम से खींचेंगे यार वाकई भी नहीं लगे नहीं वो काय पट्टी पर एडवेंचर कर चेटी यहां से कर दो चेटी चेटी करेगा भाई साहब यहां से पट्टी ऊंची कर दे ऊंची कर दो ना चप्पल से दब जाओगे तुम तो ऐसे ही खींचो भाई निकल जाएगा निकल जाएगा अरे यहां से थोड़ी ऊंची कर रुक जा रुक जा रुक जा तो दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी मशक्कत करने के बाद में ये सांप का रेक्सू हो चुका है देख सकते हैं इसने कितनी जम के बन लगा लिया एक गठान लगा ली इसने गठान लगा जोरा संजय नहीं दी को तो बाली में से आते में कुछ नहीं जा के नीचे है वो जैसे क्यों भाई साहब आ रहा जी छाया में रख लो भाई साहब ऐसी जी भेड़े और नहीं हो जाओ कौन मेसरे में कहां जाओ इधर जा बेटा तू तो उठ जाओ डरो मत अब अपने हाथ में पकड़ कर पकड़ कर अरे वो ने तुमने समझ लो तो दोस्तों देख सकते हैं ये इंडियन रेड स्नेक सांप है दामन सांप घोड़ा पछाड़ी बोलते हैं इसको देसी भाषा में और दोस्तों ऐसा सांप अगर आपको दिखे तो उससे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये नॉन वेनमस होते हैं और ये भागने में बहुत फुर्तीले होते हैं भारत का सबसे फुर्तीला सांप बोलते हैं दोस्तों इसको और दोस्तों अगर ये सांप को चूहा खाना बहुत पसंद होता है इसलिए चूहा की तलाश में ये अपने खेतों के आसपास मेड़ों में खेतों में आ जाता है और दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी बिग साइज़ का घोड़ा पचाड़ दामन सांप घोड़ा पचाड़ है जो हाँ इसकी लंबाई और भी हो जाती है 11 फीट के लगभग 10 से 11 फीट हाँ 10 फीट तक का तो एक बोलिए आप अरे जब पानी भर पे वाली अपनी तेल की तो पानी भरने वाला डिब्बा लिया वो 15 लीटर वाला कैन चॉकलेट वगैरह का जार होता है ना तो हम पैक करते हैं और ये वीडियो देखकर आप गलती ना करें क्योंकि ये एक्सपर्ट का काम होता है और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सर्प मित्र डी के सैनी को सब्सक्राइब करें अब हम इसको पैक करते हैं और इसको जंगल में ले जाकर रिलीज करेंगे चलो इसका क्या है कि इस मुँह में से लार निकल रहा है जैसा हाँ। चलो ठीक है इसको भाई जूम करके लेना मैं इसका मुँह पकड़ूंगा ना ठीक है ना डरते हैं
छान है तो ये पट्टी मतलब नहीं नहीं इसके दांत रहते हैं। हाँ इसके सबसे ज्यादा दांत रहते हैं ये सांप। जो मतलब मुंह फाड़ गए ऐसे जो गिरा है लोग पुस्कारे मारे जी। नहीं नहीं पुस्कार नहीं मारता जैसा ये जो है। नहीं 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 जो जहर जहर निकल रहा है नहीं उसकी तो ये लार निकल रही है क्या मालूम क्यों निकल रही है। कुछ खा रहा होगा। हाँ हो सकता है उसने कुछ खा रहा। मेढक मेढक खा रहा है। नहीं मेढक तो नहीं खा रहा इसने। अच्छा हाँ लेकिन ये इसके दांत है ना ये साइड में होते हैं इधर और इधर कम से कम 100-200 की गिनती में दांत रहते हैं इनके। अच्छा हाँ जो बिना जहरीले सांप होते हैं ना उनके काफी दांत होते हैं और जो जहरीले होते हैं उनके 2-4 दांत ही रहते हैं। धर्म पाप के रहते हैं धर्म पाप नहीं नहीं कहूँ धर्म को लग जाए तो बच जाए और पाप को लग जाए। कहाँ छोड़ेंगे धीरपुर। तो दोस्तों इसको हमने पैक कर लिया और इसको ले जाकर जंगल में रिलीज करेंगे और मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी बेजवान की जान बचाते हुए। जय हिंद दोस्तों। वंदे मातरम। जय माता।